देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है, और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है, और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब भी, एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी, और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत इतना प्रेम बढ़ता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए सत्य मानते हुए उस पर, जिसे कहते हैं ना सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का, केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते भाई कहाँ है। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को एक डीजी ऑफिस में फोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है वो भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है, इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं, सुकेश जो भी नाम है उनका पूरा, तो इनके ठीक है। आज कहीं बाहर खाने चले तो चलो दिल्ली के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चावड़ा दिल्ली वाला चलते हैं, जो अब खुल चुका है अपने शहर पठानकोट में भी, जहां मिलेगा आपको इनका फेमस पिशौरी चिकन और वेज नॉन वेज में ढेरों जायकेदार वैरायटीज। चावड़ा दिल्ली वाला, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कॉल 7696588832। शहर पठानकोट में खुल चुका है पहला विश्वसनीय साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चेन्नई मराठा, जो कि डलहौजी रोड ओपुलेंस होटल की बैक साइड पर है, जिसे शहर वासियों से बेहद प्यार मिल रहा है। यहां पर सारा खाना शुद्ध शाकाहारी और अत्यंत स्वादिष्ट है, यहां की सर्विस बेहद अच्छी है। चेन्नई मराठा रेस्टोरेंट में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के स्वाद अनुसार व्यंजन उपलब्ध है। यहां पर बर्थडे पार्टी और किट्टी पार्टी भी की जाती है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी एक बार अपने परिवार के साथ चेन्नई मराठा आएं और यहां के बेहद स्वादिष्ट खाने का आनंद लें।